नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक हिलर में। जिस तरह से मैंने कल अंगूठे के बारे में बताया था कि अंगूठे के दो पर्व में बनने वाले चिन्हों का क्या फल होता है, उसी तरह से आज मैं बात करने वाला हूँ तर्जनी की उंगली के बारे में। या जी हाँ दोस्तों, तर्जनी की उंगली में तीन पर्व बनते हैं। अंगूठे के अलावा बाकी इन चारों में तीन पर्व बनते हैं, और इन तीनों पर्वों में कौन कौन से चिन्ह के क्या क्या फायदे और नुकसान होते हैं, तो उस विषय में आज बात करेंगे। तो चलिए आपको मैं कंप्यूटर पर ले चलता हूँ, उसमें सारी डिटेल समझाता हूँ। तर्जनी की उंगली जो है इंसान के अंदर स्वतंत्र प्रवृत्ति, बुद्धि चातुर्य, विचारशीलता और महत्वाकांक्षा दर्शाता है। मतलब ऐसा व्यक्ति जो है काफी बुद्धिमान होता है और साथ ही साथ अपने बुद्धि को सही से उपयोग करने वाला होता है, स्वतंत्र प्रवृत्ति का होता है। ऐसे लोग जो है अपना विचार जो है बिल्कुल स्वतंत्र रूप से रखते हैं और किसी भी विचार में खुद से जब तक किसी एक कंक्लूजन में या समझ लीजिए सारांश में ना पहुंच जाए तब तक उस विचार को किसी के पास प्रकट नहीं करते। और ये लोग काफी एम्बिशियस भी होते हैं, महत्वाकांक्षी भी होते हैं। तर्जनी की उंगली अगर सामान्य लंबाई लिए हुए हो तो जातक कर्मठ, ज्ञानवान और व्यवहारिक होता है। बिल्कुल एक सामान्य, जैसा कि इस तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये उंगली बिल्कुल सामान्य स्थिति में है। तो ऐसा व्यक्ति जो है काफी कर्मठ होगा, हार्ड वर्किंग होगा, ज्ञानवान होगा और काफी व्यवहारिक होगा, यानी काफी प्रैक्टिकल भी होगा। अगर तर्जनी की उंगली की जो लंबाई है वो मध्यमा के बराबर हो, जैसे ये ऊंचाई ये मध्यमा के बराबर इस तरह से हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है हुकूमत करने की प्रबल आकांक्षा रखने वाला होगा। जी हाँ, दूसरों के ऊपर अपना प्रभाव रखने के लिए उनके अंदर हमेशा एक इच्छा बनी रहेगी। तर्जनी की उंगली अगर मध्यमा से और ऊंचाई लिए हुए हो और भी ऊपर हो तो ऐसा व्यक्ति जो है तानाशाह होता है। इनके मन में हमेशा दूसरों पे भय दिखा के राज करने की इच्छा होती है और विश्व विजय का भी हमेशा ये सपना देखते हैं। अगर तर्जनी की उंगली अनामिका उंगली के बराबर हो, अनामिका की उंगली के बराबर अगर तर्जनी की उंगली हो तो ऐसा व्यक्ति जो है धन तथा यश का भूखा होता है। मतलब इन लोगों को पैसा और सम्मान बहुत जरूरी होता है और एकमात्र लक्ष्य भी जीवन का वही होता है। यदि तर्जनी की उंगली की ऊंचाई कनिष्का मतलब छोटी उंगली के बराबर हो तो ऐसा व्यक्ति जो है खुद कोई भी निर्णय लेने में एकदम सक्षम नहीं होता। उनके अंदर खुद का डिसीजन लेने में बिल्कुल हमेशा भय बना रहता है। ये लोग अपने आप कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते। अब चले जाते हैं कि तर्जनी की उंगली में जो ये पर्व है, पर्व में बनने वाले चिन्हों के विषय में बताता हूं। अगर गुरु पर्वत से कोई रेखा सीधा ऊपर की ओर तृतीय पर्व पर पहुंच जाता है तो जातक जो है स्वतंत्र प्रवृत्ति वाला, उचित सलाहकार और काफी महत्वाकांक्षी होता है। ऐसे लोग जो होते हैं बिल्कुल सेल्फ मेड मैन होते हैं। ये अपने जीवन में जो करते हैं खुद अपने बलबूते पर करते हैं। तर्जनी के प्रथम पर्व पर अगर कोई नक्षत्र यानी कि सितारे का साइन बने इस तरह से, तो व्यक्ति जो है काफी उच्च प्रतिष्ठा और ख्याति प्राप्त करने वाला होता है। मतलब ये जीवन में काफी उन्नतियां करता है, बहुत ऊंचाइयों तक जाता है। तर्जनी की उंगली में अगर तृतीय पर्व में कोई तिल हो, इस जगह पे कोई काला तिल हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है सामाजिक प्रतिष्ठा में हानि प्राप्त करता है। मतलब ऐसे लोगों को अपनी इज्जत समाज में बनाने में बहुत समय लगता है या किसी ना किसी वजह से उनका सम्मान जो है हानि होता है। तर्जनी उंगली पर तृतीय पर्व पर दो रेखा हो, इस तरह से दो रेखाएं बनी हो इस सीधी, तो व्यक्ति जो है काफी परोपकारी होता है, सम्मानीय होता है। अगर इन्हीं दोनों रेखाओं को कोई दूसरी रेखा इस तरह से साइड से यूं काट दे तो ऐसा व्यक्ति जो है परोपकारी के कार्य तो करना चाहता है बट वो कार्य जब भी करता है उसमें कोई ना कोई बाधा आ जाती है। अगर तर्जनी के तृतीय पर्व में
कोई रेखा सीधी बने इस तरह से, और साथ में अगर मणिबंध के पास नीचे मणिबंध के पास कोई इस तरह से नक्षत्र बने, मतलब सितारा बने, स्टार बने, तो ऐसा व्यक्ति जो है उत्तराधिकार में बहुत सारा धन प्राप्त करता है, यानी समझ लीजिए कि अपने पिता द्वारा जमाए गए पैसे को, जायदाद को प्राप्त करता है और बहुत ही अच्छे क्वांटिटी में उनको वो जायदाद प्राप्त होती है। अगर तर्जनी की उंगली में उसका जो ऊपरी सिरा है, तर्जनी की उंगली का जो ऊपरी सिरा है वो बिल्कुल राउंड लिए हुए सुंदर गोल बना हुआ हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है शिक्षित होता है और शिक्षा संबंधी कार्यों में काफी सफल होता है। मतलब ऐसे व्यक्ति जो है काफी अच्छे अध्यापक और टीचर बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं। यदि तर्जनी के आगे का जो सिरा है, ये वाला पोर्शन, ये अगर चौकोर हो, इस तरह से स्क्वायर लिए हुए हो, वैसे तो स्क्वायर होता नहीं है, स्क्वायर का मतलब कि गोलाई को छोड़कर थोड़ा चौड़ा एरिया लिए हुए हो, तो व्यक्ति जो है जज या वकील बनता है, मतलब कि लॉ एनफोर्समेंट में जाता है, यानी कि जो लोग वकालत करते हैं उन लोगों की तर्जनी की उंगली ऐसी चौड़ी पाई जाती है। अगर इसी तरह तर्जनी की उंगली का जो सिरा है, ऊपर का सिरा, ये मूसल के आकार का, मतलब जरूरत से ज्यादा चौड़ा हो इस तरह से, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है काफी बातूनी होता है और झूठ के आडंबरों को फैलाने वाला होता है, मतलब काफी आडंबर प्रवृत्ति वाला होता है। अगर यही तर्जनी की उंगली का ऊपरी सिरा बिल्कुल पॉइंटेड हो, इस तरह से नुकीला बना हो, तो व्यक्ति जो है आध्यात्म में काफी रुचि रखता है और बड़े बड़े साधकों की जो तर्जनी की उंगली होती है वो काफी पॉइंटेड और नुकीली होती है। तो आप भी अपने उंगली में देखिए कि आपकी उंगली का कौन सा शेप बनता है या उंगली में कौन कौन से निशान है, इन तीनों पर्वों में कौन कौन से निशान है। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन तर्जनी की उंगली के विषय में। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज 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 कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरे से कंसल्ट करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उसमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।